प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने गृह जिले दतिया में शहर की समस्याओं को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आए और समस्याओं पेयजल अव्यवस्था ठीक करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो अपने आप को सस्पेंड समझे या फिर जिले से बाहर जाने का आवेदन दे दे। तो वहीं कलेक्टर रोहित सिंह का कहना है कि पेयजल योजना की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, अगर कोई भी समस्या आती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। दरअसल जिले में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अथक प्रयासों से पेयजल आवर्धन योजना के तहत लोगों को सुबह शाम पेयजल की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर रोज पानी आप लोग नहीं दे पाओगे दतिया को तो फिर मैं आपके शनिवार को फिर यही बैठक इस पर फिर आपकी सेवा दतिया के लिए समाप्त मानी जाए। तीनों आपके कह रहा हूँ, मैं तीनों आप देख रहे पर्याप्त आराम कर लिया, 1 महीने आराम मत करना, सिर्फ 1 महीने के लिए कह रहे हैं। जरूरत हो तो अभी बता दो बैंक साहब के साथ कि आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और कोई छुट्टी जिसको भी दी गई हो किसी भी कर्मचारी को छुट्टी मत देना अगर पा जब तक ये पानी की दिक्कत। 8 दिन से लोग प्यासे हैं, बहुत बुरा हाल है शहर का।